Swa, 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 swa
स्वाहा 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 बंद हो गया देखने वाले ये कहेंगे कि इसमें कुछ मिलाया होगा। हल्दी तू ही लेके आया ना अपने पास से? मैंने तो नहीं दी अपने पास से। जैसी पुड़िया तू लेके आया वैसी पुड़िया खोल के यहाँ पे जी। हाँ ये पानी है कुछ और है? पानी है ठंडा और गर्म लग रहा है। गर्म लग रहा है। प्लेट कितनी गर्म हो गई थी ये बता। बहुत गर्म हो गई प्लेट अभी भी। बिल्कुल ठीक हो। अब ये बता ये चीज जब मैंने क्रिया करी थी मतलब ये जो मैं इसे खींच लिया था बंदो द्वारा तो पेट में से खिंचाव हुआ था नहीं? जी जी ऐसा लगा। अब ये बता पेट तेरा हल्का सा महसूस हो गया ना? बिल्कुल तू हो गया ठीक। मैं जो नियम बताया वो कर लेना और उसके बाद में जब मोच कर और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक बात और बता जी, जो हमारे द्वारा तंत्र काट कराने आते हैं तू किस प्रकार आया? पहले के बैठ जा सही से। पहले पहले नहीं पहले क्या करा तुमने? पहले क्या करा? पहले हमें फोन करा जी। फोन करा फिर आपने रजिस्ट्रेशन कराया। फोन करा फोन करने के बाद तूने स्कैनिंग मैंने तेरा फोटो मांगा जी। नाम फोटो माँ बाप का नाम एड्रेस स्कैनिंग करके जो मैंने बात बताई थी वो सही थी जी। तुझे बोला था ना कि खिलाया हुआ जी। उन्हें तो भी बताया खिलाया खिलाया हुआ जी। तुझे भी पता है खिलाया हुआ जी जी बिल्कुल पता है। वो बता दिया उसके बाद में आने का प्रोसीजर क्या हुआ आप यहाँ मतलब उसके बाद में क्या प्रोसीजर किया? नहीं नहीं कैसे आया तू मतलब फिर उसके बाद में मैंने स्कैनिंग कर दी तुझे बता दिया सब कुछ उसके बाद में क्या क्या करा तुमने आने के लिए? हल्दी मंगाई उससे घर से मिट्टी मंगाई वो अलग बात है जी। लेकिन जैसे कि तूने कॉल पे मैंने स्कैनिंग करके बता दिया फिर तूने आने के लिए क्या करा? रजिस्ट्रेशन कराया? रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन फीस पे की जी जी। रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए पे कराई जाती है ताकि आप लोग जो आए तंत्र काट कराने तो तुम्हारी जो सामग्री लगती है वो पहले ही हम लाके ठीक है। और विशेष जो मैं तंत्र काट करता हूँ वो शनिवार और रविवार ही करता हूँ बाकी किसी भी तंत्र काट नहीं करता हूँ क्योंकि शनिवार रविवार ही शमशान में हम जा सकते हैं उनका दिन होता है कि उनको वहाँ पे ही भोग लगाया जाता है तो एक ही दिन में वो तंत्र क्रिया खत्म कर देते हैं। बार बार बुलाने का झंझट नहीं करता। एक बार आओ चार से पाँच घंटे लगते हैं जड़ से तंत्र आज सुबह से कितने लोगों का तंत्र काट कर चुका हूँ? एक का करा है उससे पहले मैं दो का कर चुका हूँ सुबह से इसलिए तुम्हें टाइम
घटा बढ़ा के बताया कि तू इस टाइम आप जी से अभी एक बंदा और आने वाला है तुझे अभी फोन पे बात नहीं करी थी मैंने कि एक घंटा रुकना जी है ना तो आज सुबह से ना मैंने बात करी है अब इतना बता तू तू यहाँ पे अब तुझे क्या लग रहा है मतलब कैसा फील करता है मतलब कितना परसेंट तुझे फायदा है 100% 80% 100 में 80% हाथों हाथ जी ठीक है हाथों हाथ ना 80% जी कोई फरेब कुछ धोखे बाजार में कुछ सामने हो रहा है सामने हो रहा है ना जो कुछ हुआ है और तो अगर कोई तत्काल एक्ट कराने आना चाहता है तो क्यों क्या करेगा आपकी बात ले लूँ ये ले लो अच्छा नहीं अब जे जैसे YouTube पे वीडियो डलेगी तो उनसे क्या कहेगा जो YouTube देख जैसे तू YouTube देख के आया तो कोई और YouTube देख के आएंगे चैनल देख के तो उनसे क्या कहना चाहेगा कि आ सकते हैं तंत्र काट करा सकते हैं और बिल्कुल सही होता है ना जी तू ठीक यहाँ से 80% अभी अभी मैं ठीक है तो 100% रात तक हो जाएगा जब मैं ये लास्ट क्रिया तेरा ताला दूंगा सब जी सही मेरी गारंटी है ठीक होगी कंधे की 101% ठीक होकर जाएगा तू यहाँ से बस नहीं बहुत से लोग बोलते हैं ना कि वैसे बात जितने हूँ उतनी बातें और मैं खुद अपने घर पे बुला के तंत्र काट कर रहा हूँ तुम्हारा मेरा घर ही है जी है ना हाँ पहले तुमने रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराई रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने के बाद मैंने तुम्हें डेट दी कि उस डेट में आना है तुम जी ठीक है अब तुम आ भी गए तंत्र काट भी हो गया तुम्हारा अब वॉच करो लो बंद कर दो कानों में तेज अब तो ना रही ना शांत शांत है ना जी जब आप हल्दी रखी जब तो बहुत तेज आई और जब हल्दी का मसाला हो गया उसके बाद नहीं आई ना जी मतलब कानों में आवाज आ रही थी तुझे भी बहुत तेज आवाज और यहाँ सब में जी पसलियों में दर्द खा जा रही थी पसलियाँ दुख रही थी और चीसा जी मारे थे पसलियों में इनके सर्दी अच्छा और नावी भी दुख रहे बीच में से यहाँ से ठीक अभी आवाज आनी बंद हो गई ना जी चलो तो कितना टाइम लगा तुझे ये सब 2 घंटे लग गए 2 घंटे हो गए ना जी और आज फोन भी बंद कर रखा है मैंने किसी की कॉल ही नहीं ले रहा जी फोन बंद हाँ क्योंकि काम करो तो काम करो जी काम ना तो फिर आराम करो जी सही हाँ तो जिन लोगों को ये नहीं मतलब मुझे तो लगता नहीं यार कि कोई ऐसे हर हफ्ते कोई तंत्र काट करने बुलाता हो मैं तो हर हफ्ते तंत्र काट करने बुलाता हूँ 4-5 आदमियों को बुलाता हूँ तरीके से करता हूँ प्रॉपर तरीके से 200 को ना देखूंगा 10 को नहीं देखूंगा 2 को देखूंगा लेकिन ढंग से देखूंगा उनको ठीक करके नहीं सही बात उनको ठीक करूंगा एड़ी से चोटी तक का जोल लगा उनको ठीक करूंगा और अभी जो तुझसे पहले जो दिल्ली वाले आए थे जी वो भी खुश होके गए या मैं ये बता खुश हो गए वो जो माता जी थी जी वो ठीक हो गई मतलब क्या कह रही थी वो आराम बता रहे 80% आराम हो गया 20% वो भी कह रही थी बिल्कुल ठीक हुआ जी हाँ बिल्कुल बोले अब फिर जब वो आई थी तो उनका चेहरा देखा था तूने कैसा किया था जी और अभी भी गुलाब जैसा खिलता हुआ चेहरा गया बिल्कुल अमन वो कह रही थी कि मेरे घुटनों में दर्द है तो भाई घुटने का दर्द तो मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि वो वजन ही इतना है उनके अंदर सही बात लिमिट से ज्यादा वजन कर रखा है उन्होंने इतनी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है इतना वजन है तो भैया वो तो डॉक्टरी इलाज है डॉक्टरी इलाज को डॉक्टरी की तरीके से देखना है सही बात रही तंत्र की बात जो तंत्र था वो कट गया अब लास्ट में तेरा उतारा ये कर देंगे खड़ा हो उतारा भी लगा ही देते और उसके बाद में खत्म कहानी ना तंत्र रहेगा ना तंत्र का अभाव
और होगा। हो गया, वीडियो बंद कर दी क्या? चल रही है, चल रही है, चल रही है। और इसका नाम है जावेद भाई और मुस्लिम है। तो कुछ लोग अगर ये सोचे कि हमारे संस्था में हिंदू ही आ सकते हैं, नहीं, हमारे लिए सब बराबर है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से हो, कोई मायने नहीं रखता है। परेशानी है वो आ सकता है, कोई भी अपना इलाज करा सकता है।